सिर्फ आधा चम्मच नारियल तेल में ये दो चीज़ें मिला के लगा लेंगे तो सबसे पहले तो ये आपकी स्किन में ग्लो बहुत बढ़िया ला के देगा। आपकी स्किन अगर सैगी होने लगी है, लूज होने लगी है, तो ये स्किन को टाइटन करेगा। कितने भी पुराने दाग धब्बे हों, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनु अमाया स्किन केयर और मैं हूँ अनु। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका फर्स्ट इस्तेमाल ही आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से चमका दमका देगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, स्किन में ग्लो बिल्कुल नहीं है, स्किन एकदम डिहाइड्रेट है, डल लग रही है, कालापन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सिर्फ 5 मिनट देना है आपको और आप देखेंगे स्किन में कैसे ग्लो वापस आता है, स्किन का रंग साफ होता आपको दिखेगा। साथ ही अगर टैनिंग इकट्ठा या फिर स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट है, इन सारी प्रॉब्लम से एक बार में छुटकारा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे आपके घर में मिल जाएंगे। कोकोनट ऑयल में मींस नारियल तेल में आपको सिर्फ दो चीजें मिलानी है और मेरे बताए गए तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। फिर आप देखिए कैसे आपकी स्किन में निखार आता है, कालापन दूर होता है। आप इसको कंटिन्यू करोगे तो फेस के दाग धब्बे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन यानी झाइयों जैसी प्रॉब्लम बनी हुई है, वो भी धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। सुबह सिर्फ 5 मिनट आपको देना है और पूरा दिन आपकी स्किन एकदम से चमकती दमकती रहेगी, स्किन का ग्लो बरकरार रहेगा। मींस बिना मेकअप आपकी स्किन एकदम से ब्यूटीफुल दिखने वाली है। लोग आपसे पूछेंगे कि फेस पे आजकल कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्या करवा रहे हो, हमें भी बताओ। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए देख लेते हैं रेमेडी क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अनु अमाया स्किन केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप मेरी तरह से पैरासूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी फ्रेग्रेंस वाला कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल आपको नहीं लेना है, ओके। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को बहुत बढ़िया सा हाइड्रेशन देता है, स्किन को डीप नरिशमेंट देता है। अगर आप इसको सही तरीके से रेगुलर अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे फेस के दाग धब्बे रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, आंखों के नीचे कालापन बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बस हल्का सा ऑयल लेके आंखों के नीचे 2-3 मिनट का मसाज देना है, पर डे कर लीजिए। सप्ताह भर होते होते आप देखेंगे आपकी आंखें एकदम से इवन टोन, मींस जैसे आपके चिक है वैसे आंखों के नीचे का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हैं, अपने लिप्स पे आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, धीरे धीरे डार्कनेस रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। स्किन में कालापन बहुत ज्यादा दिख रहा है या एजिंग साइन दिखने लगे हैं, कोकोनट ऑयल उस प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकता है। मींस ऑल इन वन होता है कोकोनट ऑयल और सबसे अच्छी बात है ये हर भारतीय घर में easily मिल जाता है। Then जो next ingredient मैं इसमें लेने वाली हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा all time favorite, जी हाँ, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आप fresh लोगे बहुत अच्छा result आएगा, नहीं है तो आप मेरी तरह से market का एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। आपकी स्किन में टैनिंग को पूरी तरीके से रिमूव कर सकता है एलोवेरा जेल, साथ ही साथ आपका रंग भी निखारता है, फेस के दाग धब्बे रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। अगर स्किन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, स्किन एकदम रूखी सूखी है, एजिंग की तरफ बढ़ रही है, तो आपको अपने स्किन केयर में आज से ही एलोवेरा जेल का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। एलोवेरा जेल धूप में हुए कालेपन को भी खत्म करता है और आपकी स्किन में बहुत बढ़िया सा ग्लो भी ऐड करता है। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून कर्ड यानी दही। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास कभी दही होगा कभी नहीं होगा और आपको रेमेडी पर डे अप्लाई करनी है, तो जिस दिन आपके पास दही नहीं है आप यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, आपकी बढ़िया सी रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। कर्ड में लैक्टिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, एक बार में आपकी स्किन को निखार देता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना, स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, आप सिर्फ कर्ड ले लीजिए, फेस पे बढ़िया से लगा के मसाज दे दीजिए, आप तुरंत नोटिस करोगे स्किन बहुत बढ़िया से हाइड्रेट हो गई है, चमक ऐड हो जाएगी, साथ ही साथ आपका रंग भी निखर जाएगा एक ही बार के दही के इस्तेमाल से। जी हाँ, दही फेस के दाग धब्बे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन एज करने लगी है, लूज होने लगी है, तो स्किन को टाइटन भी कर सकता है दही।
अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमको अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए इसको तकरीबन एक मिनट के लिए आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, रेमेडी तो हमारी बनके तैयार है, लेकिन इसको लगाने का तरीका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप मेरे बताए गए तरीके से लगा लोगे तो यकीन मानिए ना ही आपको कभी पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी, महंगे फेशियल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, यूं ही आपका फेस एकदम से चमकता दमकता रहेगा। तो आपको लगाना कैसे है, देखिए फेस को बढ़िया से वॉश कर लीजिए। अगर स्किन पे किसी तरह की डर्ट पोल्यूशन है उसको भी ये रेमेडी निकालने वाली है, लेकिन अगर आपका फेस क्लीन होगा तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ओके, देन आपको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज देते हुए रेमेडी को फेस पे अप्लाई कर लेना है, देन हल्के हाथों से मसाज देना है। याद रखिएगा मसाज आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में देना है एंड सर्कुलर मोशन में देना है, नीचे की तरफ आपको मसाज नहीं देना है, नहीं तो आपकी स्किन ज्यादा लूज होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से जब आप अपनी स्किन को मसाज देंगे तो हमारी रेमेडी की जो गुडनेस है हमारी स्किन के अंदर तक जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आप ये रेमेडी अप्लाई कर रहे हो ना, वो काली होना स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, आपके फेस की जितनी भी मैल गंदगी है सारा कुछ खींच के ये बाहर निकाल देगी और आप एक ही बार में नोटिस करोगे स्किन आपकी बहुत ज्यादा चमक रही है, बहुत बढ़िया सा ग्लो ऐड हो गया है। आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट मसाज जरूर देना है, हल्के हाथों से दीजिएगा, एकदम से लड़ने मत लग जाइएगा कि आपकी स्किन पे रैशेस हो जाए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरह से मसाजिंग देने के बाद आपको करना क्या है, नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। अगर स्किन पहले से ऑयली है तो आपको हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। फेस वॉश करने के बाद आप नोटिस करोगे स्किन में इतना बढ़िया ग्लो आ चुका होगा, स्किन डीप हाइड्रेट हो चुकी होगी, मींस ऐसा ग्लो आया होगा जो आपको पार्लर में जाके 1000 रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट होती है तो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से आप अपने आप दूर रहते हो। जी हाँ, इसलिए अंदर से बढ़िया सा हाइड्रेशन देने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पर डे पीना है। हमेशा कहती हूँ सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें और साथ में ये छोटी सी रेमेडी आपको अप्लाई करनी है। देखिए आपको किसी और रेमेडी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।